नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में स्वचालित गेज नियंत्रण सिलेंडर स्ट्रोक से पट्टी की गुणवत्ता में सुधार। सिलिकॉन स्टील मिल में महा का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान। और बढ़ती मोटर विश्वसनीयता पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट में आंतरिक प्रयास से हॉट स्ट्रिप मिल में डायल गेज के माध्यम से आवश्यक कैलिब्रेशन के साथ एक स्वचालित गेज नियंत्रण सिलेंडर स्ट्रोक स्थापित किया गया। इससे कॉइल की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्वचालित गेज नियंत्रण एक उपकरण है जिसे फिनिशिंग मिल से बाहर निकलने वाली पट्टी की फाइनल मोटाई निर्धारित करने के लिए है और इसे फिनिशिंग मिल्स 3-6 में कार्य रोल के बीच के अंतराल को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तविक और सेट अंतराल में किसी भी विविधता से मोटाई में अंतर आता है। एलवीडीटी यानी रैखिक परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफार्मर के अंशांकन पर समस्या का निर्धारण किया गया था। एलवीडीटी को 25 मिलीमीटर के सिलेंडर डिजाइन स्ट्रोक को ध्यान में रखते हुए कैलिब्रेट किया गया था। फिर भी वास्तविकता वास्तविक सिलेंडर स्ट्रोक में भिन्नता रही। ये पाया गया कि 0.01 मिलीमीटर की सटीकता आवश्यक थी। स्ट्रोक की वास्तविक माप की गणना करना इसकी स्थिति और उपयुक्त साधन की कमी के कारण मुश्किल था। एचएसएम कर्मी समूह ने 25 मिलीलीटर मीटर से ज्यादा माप वाले डायल गेज का प्रयोग करते हुए बैकअप रोल की गति को मापकर सिलेंडर स्ट्रोक की गणना करने का निर्णय लिया। एक विशेष डायल गेज 0.01 मिलीमीटर की शुद्धता के साथ 0.50 मिलीमीटर की एक सीमा के साथ खरीदा गया था। डायल गेज की माउंटिंग के लिए एक फिक्स्चर बनाया गया। सभी सिलेंडरों के लिए वास्तविक स्ट्रोक की रीडिंग को मापा गया। सभी एलवीडीटी मापन मूल्यों के आधार पर कैलिब्रेटेड था। इनके साथ स्वतः गेज नियंत्रण सिलेंडर स्ट्रोक के संचालन अत्यधिक विश्वसनीय हो गए हैं। परिष्करण मिल में गड़बड़ी का गठन शून्य हो गया है और मोटाई के दृष्टिकोण से पट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा इसमें मिल उपयोग में भी सुधार हुआ है। टीम ने न केवल विचार की बल्कि इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में उप महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री पी सजित, सहायक महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एन आर साहू, सहायक महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री सी नायक, सहायक प्रबंधक मैकेनिकल श्री शुभ्रजीत नंद, वरिष्ठ तकनीशियन इलेक्ट्रिकल श्री देवराज षडंगी और वरिष्ठ तकनीशियन मैकेनिकल श्री आई मलिक, श्री एम के होता और श्री पी के परिहारी शामिल थे। सिलिकॉन स्टील मिल में 21 सितंबर को महा का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित हुई। उप महाप्रबंधक प्रभारी एसएसएम श्री जेपी शर्मा ने अगस्त 2017 माह के लिए एसएसएम ऑपरेशन के वरिष्ठ ऑपरेटिव श्री जी पत्री को महा का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। श्री शर्मा ने श्री पत्री की तकनीकी विशेषज्ञता एवं एनालाइजिंग एवं पिकलिंग लाइन में सीआरएनओ कॉयलों के पिकलिंग से संबंधित ज्ञान की सराहना की। उप महाप्रबंधक एसएसएम ऑपरेशन श्री सी आर मिश्र एवं सहायक महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एमपी राजा राव ने भी इस अवसर पर कहा। इसके बाद संचार बैठक में उपस्थित कर्मचारियों ने मिल के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सहायक प्रबंधक कार्मिक सीआरएम एसएसएम एवं आरएस सुश्री लोपामुद्रा मिश्र ने समारोह का संचालन किया।
सीपीटीआई में बढ़ती मोटर विश्वसनीयता पर एक एलईओ कार्यशाला आयोजित की गई। राउरकेला स्टील प्लांट आईएसपी, बर्नपुर और बोकारो स्टील प्लांट से कुल 16 संभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उपकरण के विश्वसनीयता के साथ साथ रखरखाव स्थिति और मोटर्स की ऑनलाइन निगरानी, मोटर रखरखाव प्रबंधन और मरम्मत, असफलता और विश्लेषण, ग्रीस और लुब्रिकेशन, संतुलन और भंडारण तथा मोटर संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। शून्य मोटर विफलता को प्राप्त करने के लिए आधार पर तैयार की गई कार्य योजना पर ग्रुप चर्चा आयोजित की गई और प्रस्तुतिकरण भी किया गया। उप महाप्रबंधक सीपीटीआई श्री एस महांती ने प्रस्तुतिकरण सत्र का संचालन किया। प्रबंधक सीपीटीआई श्री आर एन सिंह ने सीपीटीआई के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री बी के पात्र के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।